लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा अरफान शहर से। ढाबे के ऊपर चाय बना के लोगों को ये चाय देते और इसके साथ साथ ये गायकी भी करते। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है। लोग दूर दूर से आपके पास चाय पीने आते हैं जी। आपकी चाय भी मजेदार होती है और आपकी आवाज भी बहुत मजेदार होती है। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ और ये कब से आप चाय बना रहे हैं? जी जो सिंगिंग है ये तो मेरा बचपन से शौक है और ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और काम साथ साथ फिर करना जरूरी क्योंकि घर को भी चलाना है। अच्छा जी बिल्कुल। तो कितने भाई हैं? ये काम शुरू आपने कैसे किया? जी हम दो भाई हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं वो लेक्चरार हैं और मैं चाय का काम करता हूँ, होटल पे काम करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। ये शौक था कि होटल पे काम कर? नहीं मेरा शौक नहीं था, मजबूरी है काम करना क्योंकि देखें कि आजकल आप देखें हालात किस तरह के जा रहे हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कितनी देर होगी आपको गाते हुए? मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। 15-16? हाँ बचपन से मैंने स्टार्ट किया था। ये शौक कैसे पैदा हुआ? मेरे अबू जो थे वो साथ नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते थे, कैसेट वगैरह होती थी तो वहाँ से सुनते सुनते मुझे शौक पड़ गया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को गाने का। अच्छा। तो बस ये कि बदकिस्मती ये कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की शिकिल्दी नहीं हो सकी क्योंकि वो मैं तो 3-4 साल का था जब उनकी डेथ हुई। तो फिर मैंने उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की शिकिल्दी इख्तियार की है तो उनसे भी मैंने क्लासेस ली हैं और क्लासिकल की और उसके अलावा मैं कव्वाली वगैरह की भी। अच्छा। हाँ जी क्लासेस में म्यूजिक के ले रहा हूँ। तो आपको पता कैसे चला कि मेरे अंदर भी एक चीज़ है, मैं भी गा सकता हूँ? वो जब कव्वालियाँ वगैरह या सॉन्ग नुसरत साहब के लगाते थे तो मैं साथ साथ पिक करता था उन चीज़ों को। अच्छा। तो जब मैं तकरीबन कोई 12-13 साल का हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इसको सीखना शुरू करूँ। सबसे ज़्यादा जो मशहूर कलाम या नात या कोई गाना आपका जो वायरल हुआ है इस ढाबे पे, जो लोग आके रिक्वेस्ट करके आपसे सुनते हैं, वो कौन से? जी मैं आपको उसका एक इशार सुनाना पसंद करूँ। हम ना बजाएंगे मोहब्बत से हो जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या गले को साफ रखने के लिए गायकी के लिए कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि खानी पड़ती हैं? नहीं खाने के लिए बस परहेज़ करना पड़ता कुछ चीज़ों का और दूसरा ये कि रियाज ज़रूरी है। अच्छा। हाँ जी। कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? प्रैक्टिस तो मैं करता हूँ। आपका उस्ताद कौन? राहत फतेह अली खान साहब मेरे उस्ताद हैं फर्स्ट। अच्छा। हाँ जी उनसे भी सीखा? हाँ जी उनसे भी मैंने सीखा है। आपको थोड़ा सा क्लासिकल सुनाते हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा। धनी जगा सानी धनी जगा मा दानी दसा सल दड़ी दल जुदल दड़ी दल जुदल दड़ी दल जुदल दड़ी दल जुदल सल जगानी दल जगानी दगा रे गारी था नी दल जबागा वा दनी दगा रा नी दा मा गा सा नी दा नी जा सा मा मा बगा वा नी दा नी सा नी दा मा गावा वा गावा रे सा नी दा नी जा नी रल 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 नी रल 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 नी रल 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 नी दा रे मा गावा दा नी दा नी दा बा नी दा मा गामा बा गामा रे गा सा नी दा नी सा। ये 2-3 रागों में मैंने ना थोड़ा सा मैशअप किया। सर एक चाय बेचने वाला इतने बड़े सुर कैसे लगा रहा है? पता नहीं है, मुझे तो खुद भी नहीं पता, बस अल्लाह की देन है। घर वालों का कैसा रिएक्शन है, क्या कहते हैं? जी अब अच्छा, उन्होंने मेरा काम देखा, जब उन्होंने देखा कि ये इंटरव्यूज वगैरह दे रहा है टीवी चैनल्स पे और सॉन्ग भी मैंने दूसरा 2-3 मैंने बनाए हैं और कुछ ये कि सॉन्ग बनाए हैं वो कुछ लोगों ने कॉपी करके ना अपने चैनल पर डाल लिए हैं और माशाल्लाह एक नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मेरा सॉन्ग जो है ना वो कंपोजिशन चोरी की, पहले मुझे गवा दिया फिर उसके बाद उन्होंने खुद गा के आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। अच्छा। हाँ जी। लोगों बेलियों सज्जनों का कैसा रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं? जी अच्छे हैं, बहुत लेवल के हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, उन्होंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं चाय का काम करता हूँ क्या नहीं, मगर ये कि वो उनकी ख्वाहिश है कि मैं आगे जाऊँ बस। सबसे जो फेवरेट आपका सॉन्ग है या कलाम है या कोई भी नगमा है कौन सा है? जी कलाम तो सारी फेवरेट हैं, वो एक है ये जो हल्का हल्का सुरूर है उसमें एक दो इशारा आपको सुनाता हूँ। साकी की हर निगाह पे
साकी की हर निगाह पे बलखा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। रहमते तमाम मेरी हर खत्म हुआ, घबरा के पी गया। मेरी बादानोशी के वास्ते कोई कह दे जा मैं सुकून नहीं, मुझे कैफ रहता है हर घड़ी, ये तेरी निगाह की बात है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है। मुझे ये बताएं जो लोग चाय पीने आते हैं फरमाइश क्या करते हैं? एक खान साहब की गजल है, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, उनकी बहुत ज्यादा फरमाइश करते हैं। हाँ जी, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रे गुजर जाएंगी, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। चाय पीने आते हैं और आवाज सुनने के बाद इवेंट पे बुला लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, इस तरह से भी काफी ज्यादा इवेंट्स मुझे मिले हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर है? बड़े बड़े जो गुलुकार है मैं उनका शागिर्द हूँ, वो देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारा भी कोई मुस्तकबिल होगा? पता क्या बात है, सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, ठीक है? और जब हमारा पाकिस्तानी सिंगर जब बाहर जाता है, जब उनको इज्जत मिलती है, तो फिर पाकिस्तान वाले भी उनको अपना लेते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा काम देते हैं यार, पहले काम दे देते, ठीक है? तो पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कदर नहीं है, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस चाय के ढाबे से कितनी इनकम कमा लेते हैं रोजाना की बुनियाद पे, कितना आपका खर्चा निकाल? जी 5-6 हज़ार रुपये बच जाते। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी।